गुड आफ्टरनून मैम। सर मुझे इसके ट्यूशन के बारे में पूछना था टेंथ के, तो इसकी इंक्वायरी करने के लिए आई थी मैं। ओके अभी जस्ट मेरा एक लेक्चर शेड्यूल था वो खत्म हुआ है, तो हम ऑफिस में बैठ के आपके जो भी डाउट्स है उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, और जो हमारा क्लास 10 का स्ट्रक्चर है कोर स्ट्रक्चर, वो कोर स्ट्रक्चर मैं आपको समझा के बोलता हूँ। आई सर, आपकी जो कमर्शियल ट्यूशन है और जो हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा बाहर ना जाए, होम ट्यूशन प्रोवाइड करें उनके, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो, तो आप क्या कहते कि बच्चों को कमर्शियल ट्यूशन में जाना चाहिए या होम ट्यूशन में करना चाहिए? बराबर है मैम, आपने ये जो डाउट रेज किया है, एक्चुअली ये डाउट COVID-19 सिचुएशन की वजह से बहुत सारे पेरेंट के दिमाग में आ रहा है कि अभी बच्चे ने बाहर नहीं जाना चाहिए, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, और उस वजह से कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स होम ट्यूशन को प्रेफरेंस देते हुए दिख रहे। बट मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ, जो कमर्शियल कोचिंग है वहां पे ग्रुप ऑफ फैकल्टीज वर्क करते हैं, हर एक एक्सपर्ट जो रहता है वो उसके एक्सपर्टीज को वहां पे टीच करता है। जैसे हमने साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इस टाइप में डिफरेंट फैकल्टीज जो है वो डिफरेंट फैकल्टीज यहाँ पे टीच करती है। होम ट्यूशन में बात क्या होती है, दो या तीन फैकल्टीज वहां पे कनेक्ट होते हैं, वो मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे के लिए बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट कमर्शियल कोचिंग में क्या होता है, जब हम बच्चों को टीच करते हैं उसके बाद में उन बच्चों को 24/7 हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बच्चा जब घर पे स्टडी करता है तो वहां पे अगर उसको कुछ डाउट रेज होता है तो वो डाउट वहां पे ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, इन फॉर्मेट्स में वहां पे वो हमको डाउट रेज कर सकता है। अब उसके बाद में जैसे ही अगर ये लॉकडाउन के जो रिस्ट्रिक्शंस है ये रिलैक्स किए जाएंगे, ये रिलैक्स करने के बाद जब बच्चा ऑफलाइन मोड में आएगा, तो ऑफलाइन मोड में हमने विद ड्यू कोविड प्रिकॉशंस, जैसे आपने क्लासरूम में एंट्री किया तो आपको सैनिटाइजेशन किया गया, उसके बाद में आपका टेम्परेचर मेजर किया गया, क्लासरूम्स जो है वो हम दिन में से 2 बार सैनिटाइज करते हैं, एक बार बच्चा क्लास में जाने के पहले और बच्चा क्लास से बाहर निकलने के बाद, इस टाइप में क्लासरूम सैनिटाइज होता है, सिंगल बेंच पे सिंगल बच्चे का सीटिंग है, और क्लास में बच्चों को मास्क और टीचर्स जो है उनको फेस शील्ड, इस टाइप में यहाँ पे टीचिंग होता है। आपका जो ये सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा और उनकी एग्जाम कैसे लेंगे आप? अगर एक कोई टॉपिक है उनको नहीं समझ में आ रहा है, और फिर उनके मार्क्स कैसे आप इंक्रीज कैसे करेंगे अगर कोई डाउट भी क्लियर नहीं होता है, तो ये 2-4 जो सवाल है ना, ये बार बार ऐसे आ रहे हैं में कि ये सब चीजें कैसे होगी, ऑनलाइन क्लास है तो ये सब कैसे होगा? सबसे पहले तो ये ऑनलाइन मोड जो है, हमने जिस दिन BN डिजिटल स्मार्ट कोचिंग स्टार्ट किया था उस दिन से हम स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन इन एजुकेशन जो है वो हमने डे 1 से किया है, और जिस दिन इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ डे 1 से हम बच्चों को हमारे एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपके जो डाउट्स है वो एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जर्नी में से आपके वो डाउट्स में क्लियर करता हूँ। तो अभी ये हमारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म विंडोज और एंड्रॉइड और उसके साथ साथ एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है, उन तीनों प्लेटफॉर्म पे ये प्लेटफॉर्म आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा। अब इस प्लेटफॉर्म में क्या है, हमने क्लास वाइज यहाँ पे बैचेस बनाई हुई है। अब ये जो क्लास वाइज बैचेस है, इसमें सपोज मैं आपको 10 CBSE का बैच बताता हूँ, तो 10 CBSE के बैच में आपको यहाँ पे अलग अलग फीचर्स दिखेंगे कि लाइव क्लासेस का भी फंक्शन हमने दिया है, बट हमारे इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू रहने की वजह से लाइव क्लासरूम जो है वो हम उनके डाउट सॉल्विंग करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, और जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स के उनको प्रॉपरली वीडियोस दिए जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज हमने फोल्डर किए हैं, फिर वो सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में अगर मैं सोशल साइंस में जाता हूँ तो फिर से उसके टॉपिक वाइज आपको सेग्रीगेशन दिखेगा, और आपको अगर ऐसे लग रहा है कि नॉर्मली बाकी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं 1 या 2 वीडियो देखे वो छोड़ देते हैं, बट हमने क्या किया है कि हर एक टॉपिक का, जैसे अभी ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबलाइजेशन के नियर अबाउट 3 वीडियोस, और हर एक वीडियो जो है वो 30-40 मिनट्स का वीडियो है,
तो उसमें उसके पूरे कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन के कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ उसको एनिमेटेड कंटेंट भी इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात रही असेसमेंट की, तो असेसमेंट में इनको हम इसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है, तो इतने सारे ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे कि जैसे अभी कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे पांच पहले ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज, फिर एक ग्रुप टेस्ट रहेगा, और वो जो ग्रुप टेस्ट रहेगा उस ग्रुप टेस्ट में पूरे टॉपिक्स मिक्स करके फिर से वो टेस्ट लिया जाएगा। अब ये टेस्ट का रिपोर्ट जो आपको दिखेगा, तो सपोज मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें मैक्सिमम स्कोर कितना था, एवरेज स्कोर कितना है, उसके बाद में कितने स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया है, एवरेज ग्रेड कितना है, उससे आपको एक समझ में आएगा कि यार टेस्ट डिफिकल्ट था या इजी था। मीन्स अगर एवरेज ग्रेड ए है तो इसका मतलब टेस्ट बहुत ही इजी था, एवरेज ग्रेड अगर डी है तो इसका मतलब है कि टेस्ट कहीं ना कहीं पे डिफिकल्ट था, बहुत सारे बच्चों को उसमें इश्यू आया है। फिर यहाँ पे उसको स्टूडेंट वाइज मार्क्स हमने हाईलाइट किए हैं, और जब वो स्टूडेंट खुद के मार्क्स पे क्लिक करेगा तो उसको उसने कितने टोटल क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं, कितने इसके इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, अगर कोई इस क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखा है तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन भी उसको दिखेगा। फिर उसके बाद में सबसे मेन आता है ये पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको एक बैच रैंक दिख रही है। बैच रैंक का मतलब है वो जिस बैच में है, सपोज वो सीबीएसई में है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट रैंक दिख रही है, इंस्टीट्यूट रैंक का मतलब ये है हमारा ये प्लेटफॉर्म ऑल ओवर इंडिया हमने ओपन किया है, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चों ने टेस्ट दिया, आप अगर ऑब्जर्व करोगे बैच रैंक में 30 स्टूडेंट में से एक बता रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट रैंक में से 46 स्टूडेंट में से एक बता रहा है, तो वो टेस्ट के लिए सपोज 46 स्टूडेंट अपीयर थे, ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट रैंक। फिर उसके बाद में उसका परसेंटेज स्कोर, जो भी आप आईआईटी नीट ये एग्जाम देख रहे हो उस एग्जाम में भी परसेंटेज स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उस टाइप में परसेंटेज स्कोर आएगा। और यहाँ पे एक लीडर बोर्ड दिखेगा। अब ये लीडर बोर्ड क्या है, नॉर्मली बच्चे एग्जाम देते वक्त मोटिवेटेड रहने चाहिए, इसलिए हमने उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन लगाया है। उस कॉम्पिटिशन में क्या होगा, ये जो है ये इसके बैच में के जितने भी स्टूडेंट है उनको चैलेंज करेगा कि अरे ये टेस्ट में कौन फर्स्ट आता है, चलो चैलेंज लगाते। फिर इसने जितने भी बच्चों को चैलेंज किया उनसे ज्यादा मार्क्स अगर इसको मिले तो पर स्टूडेंट उसके अकाउंट में 10 पॉइंट्स डिपॉजिट होंगे। तो अगर उसने सपोज 30 स्टूडेंट को टारगेट किया है और उसको उन सभी से भी हाईएस्ट स्कोर है तो 29 मल्टीप्लाइड बाय 10 290 कॉइंस उसके अकाउंट में डिपॉजिट होंगी, और उन कॉइंस को जिस दिन भी हमारी बैच एंड होगी जिसके अकाउंट में ज्यादा कॉइंस रहेंगे उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो इस एप्लीकेशन का फीचर है, यहाँ पे एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड आता है कि आपकी रैंकिंग अच्छी है क्या, आप उसमें क्या इंक्रीज कर सकते हो, वो डिटेल में हमने उसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद में मेन आता है जो एनालिसिस क्वेश्चन पेपर का, तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में ओवरऑल एनालिसिस एक बार आएगा कि आपका स्कोर कितना था, टॉपर का स्कोर कितना था और एवरेज का कितना था, ठीक है। फिर इसके बाद में टाइम टेकन, अगर टाइम कितना लिया है, आपने टाइम कितना लिया है, टॉपर ने कितना लिया है, एवरेज टाइम कितना लिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर आएगा एक्यूरेसी, मीन्स आप देखो हर एक फैक्टर को हमने कंसिडर किया है, एक्यूरेसी में आप कितने एक्यूरेट हो, एवरेज कितना एक्यूरेट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है करेक्ट आंसर आपने कितने दिए हैं, और जो इनकरेक्ट का एनालिसिस है वो इनकरेक्ट का एनालिसिस, तो आप देख सकते हो ये बच्चे ने इनकरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम दिए, एवरेज इनकरेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आता हूं सेक्शन वाइज, तो सेक्शन वाइज भी फिर से इन्हीं फैक्टर्स पे हमने उसको क्लासिफाई किया है। अब उसके बाद में इसके साथ साथ एक डिफिकल्टी एनालिसिस भी हमने दिया है, किस क्वेश्चन को हमने करेक्ट, इनकरेक्ट, पार्शियली करेक्ट और अनअटेम्प्टेड, इस वे में उसको हमने टैगिंग किया है। तो आप देख सकते हो 69 क्वेश्चन वहां पे उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, तो इस वे में उनको हम टेस्ट अलॉट करते हैं। अब ये तो बात हुई ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, बट कहीं ना कहीं पे पेरेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि बाबा बोर्ड एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है, तो थ्योरी एग्जाम कैसे होगा।
जिस दिन तक लॉकडाउन है उस दिन तक थ्योरी एग्जाम में बच्चे को क्वेश्चन पेपर यहां पे शेयर किया जाएगा इन द असाइनमेंट टैब। असाइनमेंट टैब में आप यहां पे देखोगे तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स दिखेंगे, फिर वो क्वेश्चन पेपर बच्चे ने क्या करना है, ओपन करना है उसके पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप डिवाइस में, और जूम मीटिंग कॉल उसका ऑन रहेगा, जिस वजह से वीडियो प्रॉक्टरिंग मोड मींस वो बच्चा कॉपी भी ना करे, क्योंकि पेरेंट के दिमाग में वो भी एक डाउट है कि बाबा सर मेरा बच्चा ठीक है कॉपी नहीं कर रहा है, बट उसके साथ के बाकी के जो कलीग्स है उन्होंने अगर कॉपी किया तो कैसे होगा, तो उस वजह से कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर एक प्रॉक्टरिंग रहना चाहिए, इसलिए वीडियो प्रॉक्टरिंग मोड से उनका वो थ्योरी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ बच्चे उनकी पीडीएफ फाइल स्कैन करेंगे और उस पीडीएफ फाइल को उनको यहाँ पे अटैच करना है, और जैसे ही वो अटैच करेंगे और उनका वो पीडीएफ फाइल एक्सेप्ट किया जाएगा तो यहां से उनको अप्रूव कर दिया जाएगा, और वो अप्रूव करके चेक करके उनको वो असाइनमेंट फिर से सेंड की जाएगी, इस वे से उनको हम एसेस करते हैं। अब ये जो हमारा पोर्शन है ये अब कब तक कंप्लीट होगा और उसके बाद रिवीजन कब से स्टार्ट होगी? अब ये जो इनका पोर्शन है ये पोर्शन हम अक्टूबर मिड में पूरा सिलेबस प्रॉपरली टीच करके कवर अप करते हैं, फिर अक्टूबर मिड से उनका एनटीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो एनटीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है, और एनटीएससी के एग्जाम होने के बाद एक रिवीजन राउंड लेते हुए उनका बोर्ड का टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया जाता है, तो बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारे तो उसका बेनिफिट इनको क्या होगा? बहुत सारे पेरेंट वरी रहते हैं कि क्लास टेंथ है, क्लास टेंथ में हमको कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है नया, हमको बोर्ड में परसेंटेज चाहिए, बट अगर आप देखो अभी इंडिया में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा वेटेज आने वाला है, और उस वजह से कहीं ना कहीं पे आने वाले फ्यूचर में जहां पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा तो बोर्ड मार्क्स जो है या बोर्ड परसेंटेज जो है उनका वेटेज धीरे 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 कम होते जा रहा है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका वेटेज इंक्रीज होते जा रहा है। अब ये जो एनटीएससी एग्जाम है इसमें सैट और मैट ऐसे दो पेपर रहते हैं, साइट में साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स आएंगे, और जो मेंटल एबिलिटी है वो मैथ में फिर से कवर अप किया जाएगा। अब जो साइट है उस साइट के पोर्शन में उनका जो साइंस और मैथ है वो बोर्ड के साइंस और मैथ के साथ नियर अबाउट मैच हो जाता है, बोर्ड का 100% साइंस और मैथ्स उनका कवर अप हो जाता है, और जो सोशल साइंस है वो सोशल साइंस के हमने बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाए, जिस वीडियोस को भी अगर वो देख लेता है तो सोशल साइंस का जो 40 मार्क्स का कवरेज है वो 40 मार्क्स का कवरेज उसमें से कवर अप होता है। फॉर मेंटल एबिलिटी हमने कुछ एक्सपर्ट फैकल्टी जो है जैसे कि सोमानी सर है औरंगाबाद के, उनके कुछ गेस्ट लेक्चर्स हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, तो उन गेस्ट लेक्चर्स के थ्रू बच्चों को वो कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, तो इस वजह से जैसे ही वो आगे फ्यूचर में कहीं पे भी अप्लाई करेगा तो फ्यूचर में उसके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा बेस, मीन्स आप देखो हम कभी भी क्या बोलते हैं कि बिल्डिंग अगर बनानी है तो वो बिल्डिंग का बेसमेंट बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, तो सिमिलर वे इसका अगर हम करियर का एक ब्लॉक बना रहे तो वो करियर के ब्लॉक में इसका जो बेस है वो जितना हम स्ट्रांग रखेंगे उतना उसका करियर बहुत अच्छा बनेगा, और उसके साथ साथ हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमने कोडिंग कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो उनको हम प्रॉपरली ये कोडिंग कोर्सेज जो है जो अभी एक दिख रहा है मार्केट में बूम आ रहा है कि मेरे बच्चे को कोडिंग आना चाहिए, तो कोडिंग कोर्सेज भी हमने यहाँ पे लॉन्च किए और वो एक बहुत ही अच्छे स्टार्टअप के साथ हमने वो लॉन्च किए हैं, तो इस वे से हम उनको पूरा टीचिंग देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तो डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। यस सर।